पकी हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना जलील। कैसे हैं आप तमाम लोग? अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। आज की वीडियो में क्या बनने जा रहा है, चीज़ों से आपने क्या अंदाज़ा लगाया कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज भाई बच्चों की पसंद की एक डिश बना रहे हैं हम, और आपके बच्चों के लंच के लिए, आपकी शाम की चाय के लिए, रमज़ान के लिए, फ्रीज करने के लिए इतने ऑप्शन आपके पास हैं। जब आप बनाते हैं चिकन नगेट्स, तो किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं? चिकन नगेट्स घर में अगर होते हैं तो शाम की चाय पे, फिर बच्चों के लंच में बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन आज मैं जो चिकन नगेट्स बनाऊँगी ना, वो हरे भरे चिकन नगेट्स बनाऊँगी। नॉर्मल तो आपने खाए होंगे बहुत दफ़ा, लेकिन आज आप देखिएगा कि हरे भरे चिकन नगेट्स कैसे वो बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे अभी मैं आपको क्विकली, क्योंकि मैंने ये देखे हैं पीसेस जो हैं ब्रेड के डालने के लिए रखे हैं, इसकी बाइंडिंग के लिए रखे हैं कीमे की, तो मैंने सोचा कि इतना बहुत सारे ये साइड्स बची हैं, कॉर्नर्स बचे हैं, ये नीचे का स्लाइस है, ये आप देख सकते हैं, इससे क्या बना, इससे ब्रेड क्रम्स बन सकते हैं ना, तो सोचा कि इसी वक्त ब्रेड क्रम्स बनाते हैं और फिर यही लगा के हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये कॉर्नर्स हैं मेरे पास सारे, और इसमें जो नीचे का स्लाइस है वो आप ले सकते हैं, एक आध नॉर्मल स्लाइस आप ले लीजिए, और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और तोड़ लेती हूँ। अच्छा, इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ, तो आप भी करके देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी लगेगी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर, पिंच ऑफ येलो फूड कलर, ये चला गया। अब थोड़ा सा मैंने डाला है, लगेगा कि कम है तो और डाल देंगे। इसके अलावा इसमें हम डालते हैं पार्मेसन चीज़। पार्मेसन चीज़ जो है इसको अच्छा फ्लेवर देगा। आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें या आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आप मत डालिए, कोई इशू नहीं है। पार्मेसन चीज़ इस क्वांटिटी में मैं सिर्फ हाफ अ टीस्पून ये इसके अंदर डाल दिया मैंने, इससे एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आएगा, और नगेट्स में ख़ास तौर से अब बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाते हैं तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा उसकी कोटिंग में। इसको कवर करते हैं और इसको पीस लेते हैं। ये अभी थोड़े से मोटे हैं, और ज़रा सा मैं इसमें येलो फूड कलर और ऐड करूँगी। ये देखेंगे, ये चला गया इसमें थोड़ा सा, और अब इसको दोबारा से कवर करते हैं, बारीक पीसते हैं और निकाल लेते हैं। देख सकते हैं ये तैयार हो गए हैं, यहाँ पे हमारे बहुत ही शानदार से ब्रेड क्रम। अच्छा, अब आप परेशान नहीं होगा कि हमने इसको फ्रेश के बनाए हैं, लेकिन आप जब इसको फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कलर भी इतना अच्छा सा आ गया है, जब आप इसको फ्राई करेंगे तो और बेहतरीन सा कलर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने चिकन नगेट्स के पीसने के ऊपर। अच्छा, ये हम हटा के रख देते हैं और आ जाते हैं अपनी रेसिपी पर। इसके लिए भी हमने ये दो अदर स्लाइस, बड़े थे तो दो ले लीजिएगा, वरना तीन स्लाइस आप ले लीजिएगा। पहले तो मैं इसको पीसूंगी, ठीक है जी। अच्छा, चूंकि हम बना रहे हैं हरे भरे नगेट्स, तो उसके लिए मेरे पास दो हरी मिर्ची थी और ये है हरा धनिया। ये देखिए, इतना डालेंगे कि फ्लेवर आए बट बहुत ज़्यादा हरे नहीं। लेकिन इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा क्रश किया हुआ ये अदरक और लहसुन, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये, आप देख सकते हैं मेरे पास 1/2 kg ये चिकन का कीमा है, साफ सुथरा बिल्कुल। इसको हम इसमें डाल देंगे और डालेंगे इसमें टेस्ट के लिए वाइट पेपर पाउडर। अच्छा, हमने हरी मिर्ची भी डाली है, तो वाइट पेपर पाउडर आप देख के डालिएगा। ये गया इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन थोड़ा सा लेवल डालिएगा। नमक जाएगा इसके अंदर जायके के मुताबिक, जो मैं डाल रही हूँ उसमें तकरीबन 1 और 1/4 टीस्पून, ठीक है जी। ये 1/4 टीस्पून इसमें नमक चला गया। थोड़ा सा हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर 3/4 टीस्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सोया सॉस 1 टेबल स्पून। ये क्या सोया सॉस। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा चिकन पाउडर तकरीबन ऐसा, इससे क्या होगा फ्लेवर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सा आ जाएगा। 1 टीस्पून भर के डालिएगा। गार्लिक पाउडर या लहसुन पाउडर इसमें हम शामिल करेंगे। वैसे तो मैंने इसमें शामिल किया है क्रश किया हुआ लहसुन, बस थोड़ा सा और डालूंगी 1/2 टीस्पून। सब चीज़ें चलेगी, अब हम इसको बारीक पीस लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये अच्छा पिस चुका है, आपको इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची वगैरह सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इसको मैं निकालती हूँ, निकाल के हम बनाएंगे इसके नगेट्स। चलिए, ये हो चुका है, आप देख सकते हैं
इसको अब हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे बनते हैं, इसके साथ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चूँकि बच्चों के लिए है तो थोड़ी हरी मिर्चें इसमें हमने कम ही ऐड की हैं। अब इसको आपने कम से कम 10 मिनट तक रखना है। 10 मिनट के बाद आप इसके नगेट्स बनाना शुरू कीजिएगा, या फिर आप नगेट्स बना के 15 से 20 मिनट के लिए रखिएगा, फिर आप इसकी कोटिंग कीजिएगा। तो अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए रख रही हूँ, 10 मिनट के बाद हम इसके नगेट्स बनाना बताएंगे आपको। अच्छा, ये हमारा तैयार हो गया, ठीक है। इसको मैं अभी आपको नगेट्स बनाना सिखाती हूँ कि किस तरह से हम बनाएंगे। यहाँ पर एक मिक्सचर तैयार करते हैं। मिक्सचर में क्या कुछ डालेंगे, क्योंकि इसको हम नगेट्स को इसमें डिप करेंगे, ब्रेड क्रम लगाएंगे, देन फ्राई करेंगे। यहाँ पर मुझे चाहिए एक अदद अंडा, अंडा हमने ले लिया एक, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक इसे ऐड करेंगे ताकि इस पे कोटिंग पे एक फीकापन जो है वो नहीं आना चाहिए। तो एक से दो चुटकी हम इसमें डाल देंगे नमक की, और डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून, मैंने इसमें ले लिया है 1.5 टेबलस्पून मैंने मैदा ले लिया। इसको मैं पहले मिक्स करूँगी, और साथ ही थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध शामिल करेंगे ताकि एक थिक सा बैटर तैयार हो जाए। मैंने कहा था ना थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, तकरीबन 1/2 कप के करीब इसमें मैद चला गया। इसको हम एक साइड पे रख देंगे, क्योंकि हम इसी में डिप करेंगे नगेट्स को, और उसके बाद इनको हम ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे, जो ब्रेड क्रम हमने बना के रखे हैं आपके लिए। इसको हटा देते हैं। चले जी, हटा दिया हमने। अब मैं बारी आती है यहाँ पर कि चिकन नगेट्स जो है वो हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए मैं लूँगी एक बोल में शफक कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, ठीक है। ये मैंने ले लिया, इसलिए ले रही हूँ, इससे क्या होगा कि ये चिपकेगा नहीं मेरे हाथ पे ना। और एक ट्रे मैंने यहाँ पे रख लिए, और हल्का सा हाथ पे मैं ऑयल लगाऊँगी अपने। अब जितने बड़े नगेट्स, छोटे बड़े जैसे आपको बनाने हैं आप बना सकते हैं। मैं हाथ से ही बनाऊँगी, भाई मुझे हाथ से बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो वो जो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि उसमें एल्युमिनियम फॉइल में आप रोल कर लें, या फिर आप ट्रे में लगा के और पीसेस काट लें, जो आपको अच्छा लगता है या जो आपको आसान लगता है। मैं दरअसल ऐसे ही बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसको आप जो भी शेप देना चाहते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके हल्का सा ना, ये देखें ये शेप हम देंगे, सही है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। ये देखें, इस साल थोड़ा सा अनटाइडी भी हो तो कोई इशू नहीं ना, वो ज़ाहिर जो हम बाज़ार से लाते हैं मशीनों में बनते हैं, लेकिन माशाल्लाह इसको बहुत मोटा भी नहीं बनाना, बहुत पतला भी नहीं बनाना। ये मैंने बना लिए, इसी तरह से मैं सारे बना के यहाँ पे रखती चली जाऊँगी। उसके बाद 10 मिनट हम इसको फ्रीज़र में सिर्फ इसलिए रखेंगे ज़रा सेट हो जाए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कोटिंग करेंगे। ये सारे मैं बना लेती हूँ, फिर आपसे हम मिलते हैं उस वक्त जब ये सारे तैयार हो जाएंगे। तो थोड़ा वेट कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ये मैंने तैयार कर लिए हैं चिकन नगेट्स, और इनको अब हम एक काम ये करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे फ्रीज़र में ताकि थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए। शेप आप कुकी कटर से भी दे सकते हैं। ये मैं इसको फ्रीज़र में रखने के लिए जा रही हूँ, और थोड़ी देर के बाद हम डिप करेंगे जो उस बैटर में जो हमने आपके सामने बनाए, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स जो हमने आपके सामने बनाए उसमें करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये देखें जी, ये थोड़े से आप सेटल डाउन हो गए, ये देखें अभी सॉफ्ट हैं बट सेट हो गए थोड़े से ना। अब मैं क्या करूँगी कि पहले तो सबसे काम ये करेंगे, हम शफक कनोला ऑयल जो है वो हम गर्म होने के लिए रखेंगे। आपको पता है शफक कुकिंग ऑयल की जो खसूसियत है कि साफ़ है, शफाफ है, हीट से पाक है, और जो भी चीज़ आप फ्राई करते हैं ना, आप यकीन करें कि इससे कोई भारीपन नहीं होता। मैंने इसमें डाल दिया, इसको हम गर्म होने देते हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर आ जाते हैं जो बैटर हमने तैयार किया था। पहले हम ये देखें, एक एक करके हम इसमें डिप करेंगे ये, और इसमें डिप करेंगे जो हमने यहाँ पे क्रम्स बनाए थे। सिंपल, अच्छे से आप इसको टैप कर लें ताकि ये अच्छी तरह से चारों तरफ लग जाए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये हमने इस तरह से तैयार कर लिया। थोड़ा सा जब हम इसको फ्राइंग के लिए डालेंगे तो सेटल डाउन कर लेंगे। छोटे बड़े, लेकिन ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है कि दो बाइट में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं सारे बना लेती हूँ। सिंपल, आपने डिप किया, और उसके बाद आपने ये देखिए जो ब्रेड क्रम हमने बनाए थे, इन ब्रेड क्रम्स को बनाए, और बनाने के बाद आप इनको फ्रीज़र में रख लें। तो फ्रीज़र में रखने से ये बहुत दिन तक चलते रहेंगे, और आप रमज़ान में ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन रहेंगे। चल,
ये हो गया। इसी तरह से मैं सारे बना के रख लेती हूँ जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, उसके बाद हम इसको फ्राई करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए मैंने ये सारी कोटिंग करके रख ली है। अच्छा, इस स्टेज पे आप देख सकते हैं जैसे ये आपने किए, इसको आप बिल्कुल फ्रीज कर सकते हैं, फ्रीज करके किसी जिप लॉक में डालें और उसके बाद रमजानों में खाएं, वैसे खाएं, बच्चों को लंच में दें, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। मैं देखती हूँ ऑयल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो ऑयल भी ऑलमोस्ट हो गया है, तो मैं काम करती हूँ कि ये फ्राइंग के लिए ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। बिस्मिल्लाह, अभी जब डालेंगे तो फौरी तौर पे आपने इसको कोई चम्मच नहीं लगाना है, बस इसको फ्राई होने देते हैं और जैसे ही ये थोड़ा सा जो इसकी ब्रेडिंग है इसको पकड़ेगा तो फिर मैं इसको टर्न करूँगी, अभी नहीं कर रही। चलें, ओवर क्राउडेड नहीं करते, इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी सी देर के लिए और इनके हाथ से, ताकि इसकी ब्रेडिंग लूज ना हो। इंशाल्लाह जब आप ये बनाएंगे हरे भरे नगेट्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे। हरा मसाला आप थोड़ा ज़्यादा और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल में ये बिल्कुल इनफ है, बिकॉज हम बच्चों के लिए बना रहे होते हैं और बच्चे कहे हैं कि ज़रा सा ज़्यादा मसालों को पसंद नहीं करते, बट फ्लेवर इसका आपको बहुत इंशाल्लाह ताला शानदार लगेगा। तो अब मुझे लगता है बारी आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा ये चूँकि कच्चे हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मीडियम लो हीट के ऊपर इसको बनाइएगा। अगर आप बहुत तेज़ आंच पे करेंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से ही कच्चे रहेंगे, जो हमें नहीं रखना है, हमें अंदर तक इसको कुक करना है क्योंकि कीमा है और कच्चा है। चलें, अब आप देख सकते हैं अच्छा कलर आना शुरू हो गया, थोड़ी सी इसकी ब्रेडिंग अच्छी हो गई, तो मैंने इसको टर्न करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा तो आपकी ब्रेडिंग भी सही रहेगी इंशाल्लाह। अब इस स्टेज पर मैं थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ और ये हो जाएंगे तो मैं इनको निकालू। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा प्यारा सा उसके कलर आ गया और ये देखिए सबको मैंने टर्न कर दिया, ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो गए हैं आपके हरे भरे चिकन नगेट्स। इसको बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। मैं इनको निकालती हूँ और आप चाहें इसको केचप के साथ सर्व करें, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। होते जा रहे हैं, हम इनको निकाल लेंगे। देखें कितनी कोई, अभी मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। बेहतरीन इस पे कलर आएगा, आप देख सकते हैं। तो भाई आप घर पे बनाइए क्योंकि देखें आप इसे बचत भी कर लेंगे, ऑब्वियसली महंगाई का ज़माना है और दिल यही चाह रहा होता है कि आप घर में ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे बचत हो, क्योंकि आप बाज़ार से लेके आते हैं तो ये आपको डबल पड़ती हैं। तो घर में थोड़ी सी चीज़ों से आप बनाइए, इंजॉय कीजिए। इसको मैं सर्व करूँगी, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को आपने जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को आप शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़। बोलू भी, हाँ ये देखें प्याज ज़बरदस्त ये क्रिस्पी से बन चुके हैं, आप इसको बिल्कुल बनाइएगा और आपको मैं कट करके भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें वाह, अंदर तक बेहतरीन ये पक चुके हैं और आप भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको धीमी आंच पे बनाइएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच मत कीजिएगा, बहुत मोटे मत बनाइएगा। तो बिल्कुल आप बनाइए, इंजॉय कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है जैसे, मैं हूँ शेफ समीना जलील और आप तमाम लोगों से मैं मुलाकात कर रही हूँ आज। किस लिए? बहुत ही ज़बरदस्ती एक न्यूज़ है आप तमाम लोगों के लिए, देखिए हमारे चैनल को माशाल्लाह से एक साल हो गया, आपकी मोहब्बतों और प्यार के साथ साथ अच्छा माशाल्लाह परवान चढ़ाए, तो मैंने सोचा कि भाई मेरे जो जितने देखने वाले हैं और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सब लोगों ने मुझसे एक बात ये भी कही कि भाई इतना हम सब कुछ देखते हैं करते हैं, आप रेसिपी देती हैं लेकिन भाई कोई इनाम वगैरह भी होने चाहिए, तो हमने सोचा कोई इनाम का सिलसिला जो है वो जारी करते हैं। ये तमाम चीज़ें सब आप लोगों के लिए हम करें, तो इसमें हम
शफ़क कुकिंग ऑयल वालों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनकी तरफ से आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। जनाब कैसे मिलेगा ये तो सुन लीजिए, पहले मिलेगा इस तरह से कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ से कोई अच्छी सी रेसिपी जो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, अब वो बनाइएगा। ठीक है, बनाने के बाद उसकी एक पिक्चर अच्छी सी आपने खींचनी है, उसके बाद शफ़क कुकिंग ऑयल का कोई आपने पाउच लेना है, बॉटल लेनी है, टिन लेना है, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं वो लीजिएगा और उसके साथ रखिएगा। ठीक है, फिर पिक्चर जो है वो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मेरे पेज के ऊपर आप इनबॉक्स मुझे कीजिएगा। तो क्या होगा कि हम एक लकी ड्रॉ करेंगे, लकी ड्रॉ में क्या होगा कि उसमें हम देंगे ये एक शानदार सा गिफ्ट जो शफ़क कुकिंग ऑयल की तरफ से होगा और हम आपको भेजेंगे इसको। लेकिन ये है तो खासा भारी सा मुझे लग रहा है, इसमें क्या है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पता है इसमें, तो बिल्कुल जल्दी से जाइए और फिर इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रेसिपी अच्छी सी अपनी पसंद की बनाइए और उसके बाद उसको पिक्चर लास्ट में खींचिएगा, अच्छी सी तस्वीर खींचिएगा और फिर हमें इनबॉक्स कीजिएगा। और ये इनबॉक्स आपने कहाँ करना है, मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं करना, मेरा जो एक पेज है पकाओ दिल से का, उसके ऑफिशियल पेज पे आपने जाके इनबॉक्स करना है और उसकी जो हम डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा और आ भी नहीं है यहाँ पर, तो उसको आप फॉलो कीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए एक शानदार सा गिफ्ट हैम्पर, क्योंकि रमज़ान आने वाले, एक लकी ड्रॉ भी होगा और लकी ड्रॉ में किसका नाम आता है, हो सकता है कि आपका ही नाम आ जाए, तो जल्दी से तैयार हो जाइए और जल्दी जल्दी हमें एंट्रीज जो है वो भेजिए। थैंक यू सो मच।